स्वर्ग लोक में स्थित सूर्य को जैसे साधारण आंखों से आसानी से देख सकते हैं, वैसे ही बुद्धिमान यजमान विष्णु के परम पद को देख लेते हैं। जागृत यजमान अपने श्रेष्ठ यज्ञ कर्मों से विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। विष्णु ईश्वर हैं। आपने पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान से आपने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। उस श्रेष्ठ लोक से देवता हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हमारे मन की भावनाओं से हुई प्रार्थनाओं पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। विद्वान का ज्ञान भी आपको हमसे दूर न कर सके, हमारा आपसे यही अनुरोध है। हे इंद्र, हम आपके लिए सोमरस तैयार करके उसी तरह बैठे हुए हैं जिस तरह शहद पर मधुमक्खियां बैठती हैं। वीर जैसे धन की इच्छा से रथ पर पैर रखता है, वैसे ही हम भी धन की इच्छा से आप पर अपनी आशाएं केंद्रित कर रहे हैं। हे यजमानों, आप इंद्र के लिए प्रार्थनाएं याद कीजिए, उन प्रार्थनाओं को गाइए। पहले यज्ञों में हमने बृहति छंद में साम गाए, इससे यजमानों में बुद्धि उपजती है और वह बुद्धि मजती है। हे इंद्र, गाय के दूध में मिला हुआ सोमरस आपके लिए समर्पित है, यह मददाई है, आप इससे तृप्त होइए। आप हमें सूर्य जैसी प्रकाश वाली गायें और धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आपने वृत्रासुर का नाश किया, आप दक्षिणा दाता हैं, आपको मद देने के लिए द्रोण कलश में स्थिर किया जाता है। यजमानों की मनोकामना पूर्ति के लिए सोम रस को सत्पात्र में रखा जाता है। हे यजमानों, तुम सब और हम सब सोम रस को प्राप्त करें। यह सोम रस दूधिया है, पराक्रमी है, स्फूर्तिदायी है, सुगंधमय है, क्षमताशाली है। सोमरस हरा है, सोमरस भूरा है, सोमरस मनोहर है। वह सभी देवताओं की प्रसन्नता के साथ द्रोण कलश में जाता है। हे इंद्र, किसमें इतनी सामर्थ्य है जो आपका तिरस्कार कर दे? आप ऐश्वर्यशाली हैं, आपके भक्त आपके प्रति श्रद्धा के कारण ही दुर्दिन में आपसे शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे इंद्र, आप ऐश्वर्यशाली और अश्ववान हैं, आप वृत्रासुर जैसे अत्याचारियों को नष्ट करने की शक्ति दीजिए। यजमानों को देने के लिए आप प्रिय धनों को प्रेरित कीजिए। शूर वीर और ज्ञानी आपकी कृपा से पापों से छुटकारा पाएं। तीसरा खंड। हे यजमानों, सोमरस मधुर है, सुखदाई है, इंद्र के लिए आनंददाई है। आप इंद्र की स्तुति कीजिए, वे ही स्तुति के योग्य हैं। आप सोम रस भी उनकी सेवा में समर्पित कीजिए। हे इंद्र, आप अश्वपति हैं, ऋषियों ने आपके लिए प्रार्थनाएं रची हैं, उन प्रार्थनाओं को आप द्वारा दी गई सामर्थ्य के अलावा और किसी तरह नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हे इंद्र, आप वैभवशाली हैं, धनपति हैं, फूर्तीले निरालश्य यजमान जो यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों से आप बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं, हम आपका आह्वान करते हैं। हे यजमानों, यज्ञ देव लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इन यज्ञों की पूजा कीजिए। इन यज्ञों के माध्यम से यजमान दिव्य विभूतियां पाते हैं और धारण करते हैं। अग्नि हमारी हवियों को देवता तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हे ब्राह्मणों, आप अग्नि की उपासना कीजिए, यज्ञ की सफलता के लिए आपको यह उपासना करनी है। वे अतिशय वैभवदाता हैं, प्रकाशमान हैं, श्रेष्ठमान हैं, श्रेष्ठ हैं, यज्ञ के प्रमुख हैं। हे सोम, पत्थरों से कूटकर आपका रस निकाला गया है, छानकर उस रस को पवित्र किया गया है। हरा सोमरस वन की लकड़ी के बने पात्र में उसी तरह प्रवेश कर रहा है जैसे शूरवीर अपनी वीरता से नगर में प्रवेश करने जाता है। ब्राह्मण ऋत्विज सोमरस को पवित्र कर रहे हैं, स्तोत्रों से वे इसके प्रशंसा कर रहे हैं, वे भेड़ के बाल से बनी छलनी से इसे छान रहे हैं। इसे छानने वाले ऋत्विज शक्तिमान हैं, हृष्टपुष्ट हैं, घोड़ों जैसे बलवान हैं। हे यजमानों, हम वज्र वाले इंद्र को पहले से ही सोमरस पिलाते रहे हैं, आज भी हमें
उन्हें यह सोम रस पिलाना चाहिए। वे सोम पान और स्तोत्र श्रवण हेतु हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा करें। हे यजमानो, भेड़िये जैसे भयंकर शत्रु भी इंद्र के सामने झुक जाते हैं। वे इंद्र हमारी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। इंद्र हमें विवेक दें। इंद्र हमें अद्भुत बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र, हे अग्नि, यह दिव्य गुण आप दोनों के लिए वीरता का परिचायक है। आप गुण रूपी धन से स्वर्ग लोक में शोभायमान और भूषित होते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, होता रित सत्य के पथ का अनुगमन करके सिद्ध की ओर समीप जाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप दोनों की शक्ति और विद्या हितकारी भाव से कार्य करती है। आप शीघ्र कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। इंद्र को कौन जान सकता है? उनकी आयु को कौन जान सकता है? इंद्र शत्रुओं के नगर को अपने ओज से नष्ट करने वाले हैं। इंद्र मदमस्त हैं। इंद्र सुरक्षा कवचधारी हैं। हे इंद्र, आप महान हैं। आप विचरण करता हैं। आप आदरणीय हैं। आप अपने बल सहित यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। आपको रथ लेकर यज्ञ में आने से भला कौन रोक सकता है? आप शत्रु को वैसे ही खोजते हैं जैसे मतवाला हाथी अपने शत्रु को खोजता है। हे इंद्र, हमारी संस्कृत में रची हुई स्तुतियों को सुनकर आप अवश्य ही कहीं और नहीं जाएंगे। आप हमारे ही यज्ञ में आने की कृपा करेंगे। इंद्र रण युद्ध में स्थिर रहते हैं। इंद्र अस्त्र शस्त्र से सज्जित रहते हैं। इंद्र उग्र हैं। चौथा खंड। हे सोम, आपका रस पवित्र है, चमकीला है। उसे सभी काव्यों वेद मंत्रों के साथ संस्कारित किया जाता है। हे सोम, आपका रस पवित्र है। वह स्वर्ग लोक से धरती के उच्च शिखर को स्पर्श करता हुआ बहता है। हे सोम, आपका रस पवित्र है, चमकीला है। वह स्वास्थ्य संबंधी सभी गड़बड़ियों का नाश करता है। आप जल्दी द्रोण कलश में पधारते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप वृत्रनाश से संतोष करते हैं। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आप उपासकों को प्रचुर धन देते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, हम मनोकामना पूर्ति के लिए आपका वरण करते हैं। हम वैदिक मंत्रों से आपकी उपासना करते हैं। हम साम गा गा कर आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, दासों और उनकी पत्नियों के नगर आपने एक साथ एक कार्य युद्ध से ही कपकपा कर नष्ट कर दिए। हम आप दोनों की स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप अरणियों में रगड़ से पैदा होते हैं। आप दर्शनीय हैं। हम वाणी से आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी समीपता चाहते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप सोने की तरह चमकीले हैं। हम आपसे उसी प्रकार सुख पाते हैं जिस प्रकार लोग गर्मी में छाया से पाते हैं। हे अग्नि, आप उग्र हैं, वीर हैं, धनुर्धर हैं। आपकी ज्वालाएं बैलों के तीखे सींग की भांति है। आपने दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट किया है। हे अग्नि, आप सत्यवान हैं, सभी मनुष्यों के लिए अमृत जैसे कल्याणकारी हैं। आप ज्योति के स्वामी हैं। आप अजस्र हैं। हम आपसे यज्ञ की रक्षा करने का अनुरोध करते हैं। हे अग्नि, आप सत्य के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर हटाते हैं। संसार को वशीभूत रखते हैं। आपकी कृपा से संसार विस्तृत होता है। आप ऋतुओं का सृजन करते हैं। हे अग्नि, आप एकमात्र सम्राट हैं। आप अपने प्रिय धामों में सुशोभित होते हैं। आप अतीत और भविष्य में चाहने वालों की इच्छा पूरी करते हैं। 19वां अध्याय, पहला खंड। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं। आप मेधावी हैं। पुराने स्तोत्रों से यजमान आपको प्रज्वलित करके आपका विस्तार करते हैं। हे अग्नि, हम अपने इस यज्ञ में अग्नि को आमंत्रित करते हैं। आप पवित्र हैं। आप प्रकाशमान हैं। आप ऊर्जा को नीचे नहीं गिरने देते हैं। हे अग्नि, आप अपनी चमकीली लपटों से अन्य देवताओं के साथ कुश के आसन पर विराजिए। आप हमारे मित्र हैं। हे सोम,
पत्थरों से कूटकर आपका रस निकाला जाता है, आपकी उमड़ती हुई लहरों से राक्षसों का नाश होता है, जो हमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं आप उन शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप सामर्थ्यवान हैं, शत्रु नाशक हैं, रथ को साथ लेकर शत्रुओं को नष्ट कीजिए। हम हृदय से आपसे धन के लिए अनुरोध करते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आपके दृढ़ व्रतों से दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। जो शत्रु युद्ध करना चाहते हैं आप उन शत्रुओं का नाश कीजिए। सोम रस मद बरसाने वाला है, स्फूर्तिदायक है, हरी क्रांति वाला है। इंद्र हेतु सोम को नदी के जल से प्रेरित किया जाता है। हे इंद्र, आपके घोड़े मनोहर हैं, उनके बाल मोर पंख जैसे हैं, आप उन घोड़ों सहित यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। शिकारी आपकी राह में जाल न फैला सके, अतः आप उन्हें रेगिस्तान में पहुंचा दीजिए। हे इंद्र, आप घोड़ों से सजे हुए रथ में बैठकर बलवान शत्रुओं को भी हरा देते हैं, आप उनकी नगरियों का भी नाश कर देते हैं, आप राक्षसों के बल नाशक हैं, आप दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्तियों का भी नाश करते हैं। हे इंद्र, गंभीर समुद्र को जैसे छोटे तालाब अधिक जल देकर पोसते हैं, वैसे ही आप यजमान की मनोकामना पूरी करके उन्हें पोसते हैं। ग्वाले जैसे गायों को घास चारा डालकर पोसते हैं, वैसे ही यजमान इंद्र को सोम रस भेंट करके पोसते हैं। हे इंद्र, आप हमारे दोस्त की तरह आइए, आप उसी ललक से आइए जैसे प्यास से व्याकुल हिरण तालाब के पास जाता है। आप कण्वों के निकट सोम पान पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप धनवान हैं, सोम रस आपको मदमस्त बना दे, आप इस सोम रस को पीजिए, आप हमें और हमारे बेटों को खूब धन दीजिए। हे इंद्र, आप हमारी प्रशंसा करते हैं, आप सबसे बढ़िया सुख देते हैं, हम आप ही से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा उतना धनवान और सुखदायक नहीं है। हे इंद्र, आपके धन कभी भी हमारे लिए हानिकारक न हो, आपके रक्षा साधन भी कभी हमें हानि न पहुंचाएं। आप संसार के शरणदाता हैं, आप मनुष्यों को सभी धन देने की कृपा कीजिए। दूसरा खंड। उषा सूर्य की बेटी हैं, वह श्रेष्ठ नारी हैं, वे अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हुई जाती हैं, दिन के न दिखाई देने पर वे अपना प्रकाश फैलाती हैं। उषा रश्मियों की माँ हैं, वे रश्मियाँ अद्भुत हैं, चमकीली हैं, अश्विनी कुमारों की वे मित्र हैं, उषा उपासना के योग्य हैं, वे रश्मियों की माँ हैं, अश्विनी कुमारों की मित्र हैं। हे अश्विनी, उषा अपूर्व हैं, वह प्रिय हैं, वह दिन लाती हैं, हम विशाल स्तोत्रों से उनकी उपासना करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप बुद्धिमानों के धनदाता हैं, नदियों को पैदा करने वाले हैं, मनोहर हैं, धनवान हैं। जब आप दोनों अश्विनी कुमारों का रथ पक्षी की भांति उड़कर ऊपर जाता है, तब आप दोनों के लिए स्वर्ग में भी स्तोत्र पढ़े जाते हैं। हे उषा, आप धनवती हैं, आप यज्ञ कार्य भी आरंभ करने वाली हैं, आप अद्भुत वैभव दीजिए, जिससे हम संतान और अपने मित्रों का भरण पोषण करने में समर्थ हो सकें। हे उषा, आप गोवती हैं, आप अश्ववती हैं, आप रात्र के बाद दिन लाने वाली हैं, आप हमें पुत्रवान बनाइए, आप हमें धन दीजिए। हे उषा, आप यज्ञ कार्य आरंभ कराने वाली हैं, आप धनवती हैं, आप अपने रथ में लाल घोड़ों को जोतिए, हमें संसार में सौभाग्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, आप हमें गौवान बनाइए, आप अपने सुनहरे रथ को मन से हमारे यज्ञ में लाने की कृपा कीजिए। उषा के साथ उद्बुद्ध जागृत सुनहरी किरणें इन सुखमय अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने के लिए हमारे यज्ञ में लाने की कृपा करें। हे अश्विनी कुमारों, आप स्वर्ग लोक से यज्ञ के लिए
ज्योति लाकर लोगों का हित करने की कृपा कीजिए। आप दोनों हमें अन्नवान बनाइए, आप हमें ऊर्जावान बनाने की कृपा कीजिए। तीसरा खंड। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। घोड़े जिनकी शरण में हैं, गायें जिनकी शरण में हैं, हम यजमानों को भी आप अपनी शरण में लीजिए। हम नित्य नियम निभाने वाले हैं, हवि देने वाले हैं, आप हमें अन्न दान कीजिए, हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप यजमान को अन्नवान बनाने वाले हैं, आप व्यापक दृष्टि वाले हैं, आप पूजनीय हैं, आप प्रसन्न होकर आसानी से यजमानों को धन दान करते हैं, आप उपासकों को भरपूर धन दान की कृपा कीजिए। हे अग्नि, सारी गौवें आपकी शरण में हैं, तेज गति वाले घोड़े आपकी शरण में हैं, विद्वान आपकी शरण में हैं, आप पूजनीय हैं, आप यजमानों पर भरपूर अन्न दान की कृपा कीजिए। हे उषा, आप प्रकाशवती हैं, आप हम सभी को पहले की तरह आज भी बोधित जागृत करने की कृपा कीजिए। आप हम पर वैसी ही कृपा कीजिए जैसी आपने वैय्य के पुत्र सत्यश्रवा पर की। जैसा आपने उन्हें सत्यश्रवा को जागृत किया, वैसे ही हमें भी जागृत करने की कृपा कीजिए। हे उषा, आप स्वर्ग लोक की दुहिता पुत्री हैं, आप सुचद्रथ के पुत्र सुनीत हेतु अंधेरे को भगाकर प्रकट हुईं। आपने सुनीत पर जैसी कृपा की, वैसी ही आप वैय्य के पुत्र सत्यश्रवा पर भी कीजिए। हे उषा, आप स्वर्ग लोक की दुहिता बेटी हैं, आप हमें भरपूर धन देने की कृपा कीजिए। आप आज हमारे अंधेरे प्राकृतिक और अज्ञान रूप दोनों को नष्ट कीजिए। आप सत्य स्वरूपा हैं, आप वैय्य के पुत्र सत्यश्रवा पर अपनी कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आपका रथ वैभव धारण करता है, आपका रथ पराक्रम धारण करता है, आपका रथ उपासकों की प्रार्थना से सुशोभित होता है, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप दूसरों का अतिक्रमण करके हमारे पास पधारने की कृपा कीजिए। आप शत्रु नाशक हैं, आपकी कृपा से हम अपने शत्रु पर विजय पा सकें। आप सोने के रथ वाले हैं, आप धनवान हैं, आप नदी के समान बहते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप सोने के रथ वाले हैं, आप शत्रुनाशी हैं, धनधारी हैं, धन धान्य वाले हैं, यज्ञ प्रेमी हैं, आप हमारे यज्ञ में पधारिए, पधार कर प्रतिष्ठित होइए, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। चौथा खंड। हे अग्नि, आप लोगों यजमानों की समिधा से प्रदीप्त होते हैं, नींद से उठकर गौवें जैसे जागृत होती हैं, वैसे ही आप जागृत हैं। पेड़ों की शाखाएं जैसे आकाश की ओर फैलती हैं, वैसे ही आपकी लपटें स्वर्ग की ओर फैलती हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ के प्रबल आधार हैं, देवों के लिए हवि पहुंचाने हेतु आपको प्रज्वलित किया जाता है। आप ऊर्ध्वगामी हैं, आप सुबह अच्छे मन से ऊपर की ओर जाते हैं, आप महान हैं, आपको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, आप देवताओं को अंधकार से दूर करते हैं, आप संसार को अंधकार से दूर करते हैं। हे अग्नि, आप बाधा दूर करते हैं, आप अंधेरा दूर करते हैं, आप संसार को प्रकाशमान बना देते हैं, आपको यजमान घी की आहुतियों से बलवान बनाते हैं, आप ऊर्ध्वगामी होकर उस घी वाली आहुति को स्वीकारते हैं। हे उषा, आप सभी ज्योतियों से श्रेष्ठ ज्योति वाली हैं, आपकी ज्योति सर्वत्र फैलती है, सभी वस्तुओं को ज्योतिर्मय बना देती हैं। सविता के अस्त होने के बाद रात्रि उषा को उत्पन्न होने के लिए जगह देती है। हे उषा, आप सूर्य का चमकीला स्वरूप लेकर पैदा हुई और रात्रि काले रंग का, सूर्य दोनों के समान रूप से बंधु हैं, दोनों अमर हैं, स्वर्ग लोक में एक के बाद एक आती जाती हैं, दोनों एक दूसरे का प्रभाव समाप्त करती हैं। दोनों बहनों उषा और रात्रि की एक ही राह है, वह राह अनंत है, उसी राह पर ये दोनों एक दूसरे के पीछे चलती हैं, भले ही इनके स्वरूप एक दूसरे से अलग हैं,
पर इनके मन समान हैं, ये दोनों अपने अपने कार्यों में लगी रहती हैं। अग्नि प्रज्वलित हो गए हैं, उषा के प्रकट होते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाते हैं, दिव्य प्रार्थनाएं शुरू हो गई हैं, अश्विनी कुमार रथ में विराज गए हैं, हम उनसे सोमरस पीने के लिए यज्ञ में पधारने का अनुरोध करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप परिष्कृत पदार्थों को ग्रहण करने की कृपा कीजिए, यज्ञ स्थान के समीप आने वाले आपके लिए उपासना की जाती है, दिन के आते ही आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आप यजमान को प्रतिष्ठा प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, सूर्य उगने के समय दिन के मध्य में शाम और दिन रात में आप पधारिए, आप अपने रक्षा साधनों सहित पधारने की कृपा कीजिए, आपके ये साधन दिन रात सुखदाई हैं, अभी तक आपके बिना सोमरस पीने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। 19वां अध्याय 5वां खंड। हे उषा, आप उजाला फैलाती हैं, आपके आने से पूर्व दिशा में प्रकाश हो जाता है, वीर अपने आयुधों को जैसे चमकाते हैं वैसे ही आप संसार को चमचमा देती हैं, माता उषा प्रतिदिन आती हैं जाती हैं, उषा के आते ही लाल किरणें आकाश में छा जाती हैं, आप अपने जुते हुए रथ से वे चेतना फैलाती हैं तथा सूर्य की सेवा करती हैं, जो यजमान अर्चना करते हैं, सोम रस को परिष्कृत करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, दान करते हैं, उन यजमानों को उषा अन्न देती हैं, बल देती हैं, प्रकाशमान बना देती हैं, युद्ध में सज्जित वीर की भांति उषा आकाश की शोभा बढ़ा देती हैं, अग्नि वेदी में प्रज्वलित हो गए हैं, सूर्य आकाश में उदित हो गए हैं, उषा महान हैं, वे अपनी तेजस्विता से सबको प्रसन्न कर देती हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने घोड़े रथ में जोतिए, यहाँ प्रस्थान करिए, सूर्य सभी को अलग अलग कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने रथ में घोड़े जोतकर हमारे यज्ञ में पहुँचिए, हमें घृत से पुष्ट करिए, हमें आत्मज्ञान दीजिए, हमें शत्रुओं को जीतने की क्षमता दीजिए, हम धन पा सकें, हम आपको भजते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप रथ पर विराजिए, आप रथ पर विराजकर यज्ञ में पधारिए, आपका रथ तीन पहियों वाला है, मधुर अमृतधारी है, द्रुतगामी है, अश्वजुत है, सराहनीय है, तीन लोगों के बैठने की जगह वाला है, प्रचुर ऐश्वर्यवान और सौभाग्यवान है, आप सबके प्रति कल्याणकारी भावना रखकर हमारे यज्ञ स्थान में पधारने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपकी झरने वाली धाराएं वैसे ही बरसती हैं जैसे स्वर्ग लोक से बरसात होती है, आपकी धाराएं अन्न बरसाती हैं। हे सोम, आप सर्वप्रिय हैं, आप सर्वद्रष्टा हैं, आप हरिताभ हैं, आप शत्रुओं पर आयुधों से प्रहार करते हैं। हे सोम, आप श्रेष्ठ कर्मा अच्छे कार्य करने वाले हैं, यजमान आपको परिष्कृत करते हैं, आप राजा के समान हैं, आप अच्छे संकल्पों वाले हैं, बाज पक्षी जैसे वेगवान होता है वैसे ही आप वेगवान हैं, आप बहुत वेग से जल में मिल जाते हैं। हे सोम, आप स्वर्गलोक पृथ्वी लोक और सर्वत्र व्याप्त हैं, आप हमें सब प्रकार का कल्याण प्रदान करने की कृपा कीजिए। 20वां अध्याय 1वां खंड। हे सोम, आपका रस बलवर्धक है, देवताओं पर अनुकूल प्रभाव डालने वाला है, सोम रस की धाराएं वेगवती हैं, सोम रस की धाराएं द्रोण कलश में सुशोभित हो रही हैं। हे सोम, आप प्रकाशमान हैं, आप उपासना के योग्य हैं, आप अश्व के समान वेगशाली हैं, आप विद्वान हैं, अध्वर्युगण पुरोहित वाणीमय प्रार्थनाओं से सोम रस को परिष्कृत करते हैं। हे सोम, आप धनवान हैं, आप उपासना के योग्य हैं, आप पवित्र हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप रक्षक हैं, आप समुद्र के समान इस पात्र को भर देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप मौसम के अनुसार बढ़ोतरी पाते हैं, आप यज्ञ जैसे कामों से बढ़ोतरी पाते हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप ज्ञानी हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, आप महान हैं, आप बलवान हैं,
सदाचारी पुरुष के पास जैसे कल्याण हेतु जाया जाता है, वैसे ही हमारी वाणी में प्रार्थनाएं आपके पास पहुंचती हैं। हे इंद्र, राजपथ से जैसे दूसरे पथ मिलते हैं, वैसे ही आपसे भांति भांति के दान अनुदान प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, आप अच्छे मन वाले हैं, आप सतपति हैं, आप श्रेष्ठ मार्गगामी हैं। हम सुख और कल्याण के लिए उसी प्रकार आपकी उपासना करते हैं जिस प्रकार रथ की परिक्रमा की जाती है। हे इंद्र, आप महिमाशाली हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, आप समस्त विश्व में व्याप्त हैं। हे इंद्र, आप अपने हाथ में स्वर्णमय वज्र धारण करते हैं, आपकी महिमा अनंत है। हे अग्नि, आप सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, यजमान यज्ञ वेदी बनाते हैं, आप उन यज्ञ वेदियों को प्रज्वलित करते हैं, आप वेगवान घोड़े की तरह हैं, वायु की भांति गतिशील हैं, आप दूरदर्शी हैं, आप अनेक रूपों में सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, आप पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक तीनों को प्रकाशित करते हैं, आप देवताओं को बुलाने वाले हैं, आप जल में बड़वानल के रूप में विराजमान रहते हैं, आप यज्ञ स्थान में यज्ञाग्नि के रूप में सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, जो द्विजन्मा है, ब्राह्मण, जो वीर हैं, जो जग के धारक हैं, वे यजमान अग्नि का आह्वान करने वाले हैं, अग्नि यजमानों को श्रेष्ठ संतान प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप इंद्र को उसी तरह हवि पहुंचाते हैं जैसे उनके घोड़े उन्हें निर्धारित स्थान पर पहुंचाते हैं, आप वैसे ही हमारा कल्याण करते हैं जैसे यज्ञ हमारा कल्याण करते हैं। आप हृदय ग्राही हैं, हम उपासना और प्रार्थनाओं से आपको भजते हैं। हे अग्नि, आप बल की बढ़ोत्तरी करने वाले हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप मनोकामना पूरक हैं, आप ऋत सत्य स्वरूप हैं, आप यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। हे अग्नि, आप सुमन अच्छे मन वाले हैं, आप सूर्य की तरह ज्योतिमान हैं, आप सभी पूजनीय देवों के साथ हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। दूसरा खंड। हे अग्नि, आप अमर हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सर्वदृष्टा हैं, आप उषा से अनेक प्रकार के धन प्राप्त कीजिए, उस धन को आप यजमान को प्रदान करने की कृपा कीजिए, आप विशेष रूप से जागृत देवों को यज्ञ में लाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप देवदूत हैं, आप हव्यवाहक हैं, आप मार्गों के रथी हैं, आप उषा और अश्विनी कुमारों सहित हमें शक्तिशाली और यशस्वी बनाने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, भले ही कोई कई कार्य करने की क्षमता रखता हो, भले ही कोई कितना ही अधिक शत्रु नाशक हो, किंतु ऐसे युवा को भी वृद्धावस्था ग्रसित कर लेती है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु पाने वाला पुनः जन्म पा लेता है, यह सब इंद्र की कृपा से ही संभव है। हमें इंद्र के इस महान कार्य को बार बार स्मरण करना चाहिए। हे इंद्र, आप दृढ़मन हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सुपर्ण पक्षी के समान हैं, आप जो ठान लेते हैं वही करते हैं, आप शक्तिपूर्वक जो वैभव प्राप्त करते हैं उस वैभव को अपने उपासकों को दे देते हैं। हे इंद्र, आप मरुद गणों के सहयोग से पुरुषार्थ पूर्ण काम करते हैं, आप वज्रधारी हैं, आप वृत्रनाशक हैं, आप शत्रुनाश हेतु जलवृष्टि करते हैं, महान कार्य करने वाले इंद्र का अन्य देवता भी सहयोग करते हैं। हे सोम, सोम रस को मरुद गणों के लिए निचोड़ा गया है, इसे मरुदगण और अश्विनी कुमार सुरुच से पीते हैं। हे सोम, परिष्कृत किया हुआ सोम रस तीन बर्तनों में रखा हुआ है, मित्र, अर्यमा और वरुण इस सोम रस को पीने की कृपा करें। हे इंद्र, प्रातः जैसा होता यज्ञ में उपासना करने की इच्छा रखते हैं, वैसे ही आप प्रातः सोम रस पीने की इच्छा रखते हैं, वह सोम रस परिष्कृत और गाय के दूध में मिला हुआ रहता है। हे सूर्य, आप महान हैं, आप प्रकाश करता हैं, आप महान हैं। हे स्तुत्य, आप महान हैं, हम आपकी महानता की उपासना करते हैं, आपकी महिमा महान है।
हे सूर्य, आपका यश महान है, देवों में आप विशेष महान हैं, आप तम नाशक हैं, आप देवताओं के नेता हैं, आपकी ज्योति अमर है, सर्वव्यापक है। तीसरा खंड। हे इंद्र, आप सोम के स्वामी हैं, आपके घोड़े मनोहर हैं, आप उन घोड़ों के द्वारा इस यज्ञ में अवश्य पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं, आप वित्रहंता हैं, आप अपने घोड़ों से इस यज्ञ में अवश्य ही पधारने की कृपा करें। हे इंद्र, आप वित्रहंता हैं, आप सोम रस पीने के इच्छुक हैं, आप अपने घोड़ों से हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, मनुष्य अपने धन की बढ़ोत्तरी के लिए आपको सोम रस समर्पित करते हैं, किंतु ऐसी श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से आपकी उपासना करते हैं। आप प्रजापालक हैं, आप हवि देने वाले यजमानों के पास पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप विशाल हैं, आप महान हैं, यजमान आपकी स्तुति करते हैं, हवि अर्पित करते हैं, धीर पुरुष इंद्र के व्रतों को डगमगाने नहीं देते हैं। हे इंद्र, आप सबके राजा हैं, आपके गुस्से के आगे कोई टिक नहीं सकता, आपकी उपासना करने से शत्रु हारते हैं, हम अपने बंधु बांधवों को भी इंद्र की उपासना के लिए प्रेरित करते हैं। हे इंद्र, हम भी आपके समान धनपति होने की इच्छा रखते हैं, आप हम यजमानों को पोषक धन दीजिए, आप पापियों को धन मत दीजिए, हम उपासक आपसे यही प्रार्थना करते हैं। हे इंद्र, हम कहीं भी रहें पर आपके लिए यज्ञ करने के लिए समय निकालते हैं, धन निकालते हैं, आपके अलावा हमारा कोई घनिष्ठ नहीं है, कोई पिता के समान सहायक भी नहीं है। हे इंद्र, आप हमारे आमंत्रण को ध्यान से सुनने की कृपा कीजिए, आप ब्राह्मणों की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए, आप मनीषियों की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए, आप हमें समान चित्त वाला मानकर हमारे अनुरोध पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हम आपका नाम यश बढ़ाने वाली प्रार्थनाएं करते हैं, स्तोत्र गाते हैं, आप विद्वान हैं, आपकी शूर वीरता को हम जानते हैं, हम आपकी उपासना करना नहीं छोड़ सकते। हे इंद्र, मनुष्य आपके लिए सोम यज्ञ करते रहे हैं, मनीषी आपके लिए हवन भी करते रहे हैं, यज्ञ करने वालों को आप अपने आप से कभी दूर मत कीजिए। चौथा खंड। हे यजमानों, आप इंद्र के रथ के सामने उपासना करिए, आप शक्ति की उपासना कीजिए, इंद्र संसार के पालक हैं, वे वित्रहंता हैं, वे प्रेरक हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, आप मेघों को भेदते हैं, आप नदियों के बहाव में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं, हम आपको हवि भेंट करते हुए प्रसन्न होते हैं, हमारी इच्छा है कि हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, हम पर आक्रमण करने वाले को आप स्वयं इंद्र के शस्त्रों से मार डालते हैं, हमारी बुद्धि को आप प्रेरणा दीजिए, आप हमें धनादि दान कीजिए, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, आप धनवान हैं, आपके उपासक भी धनवान हो जाते हैं, आपके उपासकों को सब प्रकार का धन प्राप्त होता है। हे इंद्र, आप वाणी से स्तुति न करने वाले अज्ञानी के भी मन की भावना जानते हैं, स्तुति करने वाले के मन की भावना को भी जानते हैं, आप गाया जाता हुआ साम गायन भी जानते हैं। हे इंद्र, आप हमें दुष्टों और अपमान करने वालों के भरोसे मत छोड़िए, आप पवित्र शिक्षा के द्वारा शची की तरह पवित्र धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप घोड़ों के द्वारा पधारिए, आप कण्व की स्तुति सुनिए, हे स्वर्ग लोकवासी, हम आपके राज में सुखी हैं। हे इंद्र, सोम को कूटने वाले पत्थर भी मानो बोलते हुए आपको बुला रहे हैं, हे स्वर्ग लोकवासी, हम आपके राज में सुखी हैं। हे सोम, कूटने वाला पत्थर आवाज करता हुआ सोम रस निकाल रहा है, उससे निकलने वाली सोम की धारा वैसे ही कांप रही है जैसे भेड़िये के डर से भेड़ कांपती है, हम स्वर्ग लोकवासी इंद्र के राज में सुखी हैं, आप पधारिए।
हे सोम, आप पवित्र हैं, आप मदमाते हुए इंद्र के लिए श्रेष्ठ रस झरने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप प्रकाशमान हैं, बुद्धिवर्धक हैं, आपको वायु देवता के लिए परिष्कृत किया जाता है। हे सोम, आपको अन्न धन के इच्छुक यजमान ऐसे तैयार करते हैं जैसे रथ को तैयार किया जाता है। पांचवा खंड। हे अग्नि, आपको हम होता मानते हैं, धनवान मानते हैं, सर्वज्ञाता मानते हैं, ब्राह्मण यज्ञवेता मानते हैं। आप ऊंचाई की ओर स्वयं अपना मार्ग बनाते हैं, आप घी की आहुतियों से चमकीले हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप मनीषी हैं, ब्राह्मणों द्वारा रचे गए मंत्रों से हम यज्ञ में आपका आह्वान करते हैं। आप होता हैं, सर्वदृष्टा हैं, ऊंची लपटों वाले हैं, हम अपनी रक्षा के लिए आपकी रक्षा करते हैं। हे अग्नि, परश फरसे से जैसे शत्रुओं का नाश किया जाता है, वैसे ही आपकी सामर्थ्य से शत्रुओं में भय व्याप जाता है, उनका नाश हो जाता है। आपकी कृपा से कितना ही बलशाली शत्रु क्यों न हो, वह वशीभूत हो जाता है। आप धनुषधारी वीर जैसे हैं, आप पत्थर जैसे कठोर शत्रुओं का भी नाश कर देते हैं। हे अग्नि, आपकी हवि सराहनीय है, आप कवि विद्वान हैं, आप प्रकाशमान हैं, आपकी विशाल लपटें सुशोभित होती हैं, आप यजमानों को धन देते हैं। हे अग्नि, आपकी किरणें पवित्र हैं, आपकी किरणें चमकीली हैं, आपकी किरणें प्रखर हैं, आप सूर्य जैसे उदय होते हैं, फिर आकाश में पूर्ण प्रकाशमयता पाते हैं, माता के साथ घूमते हुए पुत्र की तरह आप यजमानों के साथ रहते हैं। हे अग्नि, आप शक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप हमारी प्रशस्तियों को सुनिए, हमारी सेवा से संतुष्ट होइए। आप विलक्षण हैं, असंख्य रूपधारी हैं, आप यजमानों के द्वारा दी गई हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप अमर हैं, आप प्रज्वलित होइए, आप हमारे धन की बढ़ोत्तरी कीजिए, आप यज्ञ में तेजस्वी स्वरूप धारण करते हैं, आप हमारे यज्ञ पर पूर्ण दृष्टि रखते हुए सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं, आप विशिष्ट चेतना संपन्न हैं, आप अपार धन के स्वामी हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, आप हमें महिमा सौभाग्य और अन्न धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सत्यवान हैं, आप विश्व दृष्टा हैं, आप हमारी स्तुति को सुनने वाले हैं, सुख्यात हैं, दिव्य हैं, हम वाणी से आपकी प्रार्थना करते हैं, यजमान सुख वृद्धि के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं। छठा खंड। हे अग्नि, जो आपको मैत्री भाव से पा लेता है वह यजमान श्रेष्ठ वीर हो जाता है, श्रेष्ठ कर्मवान हो जाता है, आपकी रक्षा आशीर्वाद से उसका बेड़ा पार हो जाता है। हे अग्नि, आपको सोम रस से सींचा जाता है, सोम रस प्रवाहमान है, इच्छित है, प्रकाशमान है, उस सोम रस को आपके लिए तैयार किया जाता है। आप महिमा वाली उषा देवियों को प्रिय हैं, आप रात को वस्तुओं में शोभित होते हैं। हे अग्नि, जल धाराएं माँ की तरह आपको मानती हैं, आपको औषधियाँ गर्भ में धारण करती हैं, वनस्पतियाँ आपको गर्भ में धारण करती हैं, आपको संसार के सम्मुख प्रकट करती हैं। अग्नि इंद्र के लिए प्रज्वलित होती है, अग्नि स्वर्गलोक में विशेष रूप से चमकती हुई शोभित होती है, वह महारानी के समान दिखाई देती है। जो जागृत हैं ऋचाएं उनकी कामना करती हैं, जो जागृत हैं उन्हें ही सोम प्राप्त होते हैं, जो जागृत हैं उन्हीं से सोम कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अग्नि जागृत हैं, अतः ऋचाएं उनकी कामना करती हैं, सोम उन्हें प्राप्त होते हैं, अग्नि जागृत हैं अतः उन्हीं से सोम कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यज्ञ में शुरू से प्रतिष्ठित देवताओं को हमारा नमस्कार, मित्र देवताओं को नमस्कार, सैकड़ों पदों वाली ऋचाएं देवताओं तक पहुंचने की कृपा करें। गायत्री त्रिष्टुप एवं जगती छंद में सामों को हजारों प्रकार से गाते हैं, सैकड़ों पदों वाली ऋचाएं देवताओं के लिए गाई जाती हैं। हे अग्नि, गायत्री त्रिष्टुप और जगती छंद में निबद्ध सामों को अनेक रूपों में अनेक प्रकार से
आपके लिए गाया जाता है। हे अग्नि, अग्नि ज्योति हैं, ज्योति अग्नि हैं, इंद्र ज्योति हैं, ज्योति इंद्र हैं, सूर्य ज्योति हैं, ज्योति सूर्य हैं। हे अग्नि, आप ऊर्जा के रूप में पधारिए, आप हमें अन्न प्रदान कीजिए, आप हमें दीर्घायु दीजिए, आप बार बार पापों से हमें बचाइए। हे अग्नि, आप सभी धनों को साथ लेकर पधारने की कृपा कीजिए, संसार में आनंद की धारा से हमें सींचने की कृपा कीजिए। सातवां खंड। हे इंद्र, आप धन के एकमात्र ईश्वर हैं, हम भी आप जैसे हो जाएं तो हमारे उपासक गायों के साथ हमारी प्रशंसा करेंगे। हे शचीपति इंद्र, यदि हम गौपति हो जाएं तो अपने इन मनीषी उपासकों को धन देने की इच्छा करें और उन्हें धन भी दें। हे इंद्र, आप अपने पुत्र यजमानों को इष्ट पदार्थ गाय घोड़े आदि प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे जल, आप ऊर्जा धारक हैं, आप सुखदाई हैं, आप हमें संग्राम के लिए बल प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे जल, माँ जैसे बालक को दूध से पोसती है, उसी तरह आप अपने कल्याणकारी रस से हमें पोसने की कृपा कीजिए। हे जल, आप हमें पुत्र पौत्र सहित क्षयकारी रोगों को जीतने की शक्ति उपजाने की कृपा कीजिए। हे वायु, आप पधारिए, आप हमारे हृदय को खिलाइए, खुश रहिए, आप हमारे लिए कल्याणकारी औषधियां लेकर आइए, आप हमें दीर्घायु प्रदान कीजिए। हे वायु, आपके सिवाय कोई हमारा पिता नहीं है, भाई नहीं है, मित्र नहीं है, आप हमारे जीवन को सामर्थ्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे वायु, आपके पास गुप्त रूप से अमृत है, आप हमें जीने के लिए छिपाकर रखा हुआ वह गुप्त अमृत प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विश्व रूप हैं, आप सुपर्ण गरुण जैसे वेगवान हैं, आप उत्पत्ति स्थान यज्ञ वेदी को सोने सा चमका देते हैं, आप ऋतु के अनुकूल सूर्य को धारण करते हैं, मेघ को धारण करते हैं। हे अग्नि, आपका वीर्य घोड़े के वीर्य की तरह है, विश्व रूप है, तेजमय है, जल में बादल रूप में आश्रय पाता है, पृथ्वी पर जीवन शक्ति के रूप में है, अंतरिक्ष में अपनी व्यापक महिमा को फैलाए हुए है, वह सर्वत्र अपनी व्यापकता लिए हुए है। हे यजमानों, अग्नि हजारों किरणों वाले सूर्य के तेज को धारण करते हैं, यज्ञ का मूल आधार हैं, स्वर्ग लोक को धारण करते हैं, पृथ्वी लोक को धारण करते हैं, सैकड़ों हजारों प्रकार के ऐश्वर्य दाता हैं, विश्वपति हैं। हे वेन, उपासक आपको हृदय में पाने की इच्छा करते हैं, इस इच्छा से वे ऊपर देखते हैं, तब वे आपको अंतरिक्ष लोक में अग्नि विद्युत रूपधारी के पास पाते हैं। आप वरुण के दूत हैं, सोने के पंखों वाले हैं, यम की योनि में हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। हे वेन, आप ऊंचे स्वर्ग लोक के पास रहते हैं, आप अद्भुत आयुध धारण करके सुशोभित होते हैं, आप सूर्य की तरह प्राणियों के लिए जल धारण करके उसे बरसाते हैं। हे वेन, जब आप समुद्र के जल को लेकर गीध जैसी दृष्टि से देखते हुए मेघों के पास पहुंचते हैं, तब सूर्य की तरह चमकते हुए तीसरे लोक से प्राण जल बरसाते हैं। 21वां अध्याय। हे इंद्र, आप बैल की तरह भीमकाय हैं, दुष्ट नाशक हैं, वैरियों के लिए क्षोभदायी हैं, स्फूर्तिवान हैं, आलस्य रहित हैं, अकेले आप ही ऐसे वीर हैं जो सारी शत्रु सेना को पराजित कर देते हैं। हे इंद्र, आप शत्रुओं के क्रंदन करा रुला देने वाले हैं, आप आलस्य रहित हैं, आप विजेता हैं, निपुण हैं, योद्धा इंद्र की सहायता से युद्ध जीत कर शत्रुओं को भगाते हैं। इंद्र युद्ध विद्या में दक्ष हैं, वे सृष्टि के विजेता हैं, सोमरस पीने वाले हैं, बाहुबली हैं, धनुर्धारी हैं, शत्रुओं के नाशक हैं। इंद्र तलवार और बाण धारण करने वाले योद्धाओं के सहयोग से शत्रुओं को वशीभूत कर लेते हैं। हे इंद्र, आप सबके पालनहार हैं, आप राक्षसों के नाशक हैं, शत्रुओं के बाधक हैं, सेना के विध्वंसक हैं, हमारे रथों के रक्षक हैं, युद्ध में हम विजयी हों।
हे इंद्र, आप सबके बल को जानते हैं, आप अत्यंत वीर हैं, आप स्थविर हैं, आप उग्रता सहन करने वाले हैं, आप बल सहित ही पैदा हुए हैं, आप महावीर हैं, आप गौपालक हैं, आप विजयी रथ में बैठने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप दुश्मनों के गढ़ भेद देते हैं, आप वज्रबाहु हैं, आप शत्रुनाशक हैं, विजेता हैं, गोपालक हैं, नेता हैं, पराक्रमशील हैं, शत्रु पर क्रोध करने में आप इंद्र का अनुगमन कीजिए। हे इंद्र, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी सेनाओं की रक्षा कीजिए, आप अद्भुत युद्धवीर हैं, शत्रुजित हैं, स्थिर हैं, वीर हैं, अनीति के प्रति क्रोधी हैं, शत्रु पर दया न करने वाले हैं, आप शत्रु के गढ़ भेदने वाले हैं। हे इंद्र, आप हमारे नेता होइए, बृहस्पति सबसे आगे होने की कृपा करें, सोम दक्षिण यज्ञ के संचालक हैं, वे भी अग्रगामी हों, मरुदगण शत्रुनाशक हैं, वे देवताओं की सेना में सबसे आगे होने की कृपा करें। हे इंद्र, आप शक्तिमान हैं, वरुण राजा हैं, मरुदगण तीव्र बल वाले हैं, आप शत्रु के डेरों के नाशक हैं, महान मन वाले हैं, विजयशील हैं, देवताओं का जय घोष सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वत्र गूंजे, सभी देवताओं का हमें सहयोग प्राप्त हो। हे इंद्र, आप क्षमतावान हैं, आप अस्त्र शस्त्रधारी युद्ध वीरों के मन में उत्साह भरें, आप हमारे मन में भी जोश भरें, आप हमारे युद्ध रथ के घोड़ों को वेगवान बनाइए, विजयी होकर आते हुए हमारे रथों में जय घोष गूंजे। हे इंद्र, आप युद्धों में हमारी सेना के रक्षक होइए, हमारे बाण शत्रु विजय करें, हमारे वीर युद्धों में विजय प्राप्त करें, यज्ञ में देवता हमारी रक्षा करें, हमारे ध्वजों पर विजय अंकित हो। हे मरुदगणों, बल से स्पर्धा करती हुई शत्रु सेना हम पर आक्रमण करे तो आप उस सेना को घने अंधकार से घेर लीजिए, जिससे वे एक दूसरे को पहचान तक न सके और अपनी ही सेना का संहार कर दे। हे पाप के देवता, आप शत्रुओं के चित्त प्रतिलोभी बनाइए, आप शत्रुओं के अंगों को भी कस लीजिए, आप शोकों की ज्वालाओं से शत्रुओं का हृदय दहलाइए, आप घनघोर अंधेरा करके शत्रु को अचेत बेहोश बना दीजिए। हे वीर मनुष्यों, इंद्र आपको सुख शांति में बनाने की कृपा करें, आपके बाह उग्र हों, आपको शत्रु अधीन न बना सकें, आप उन पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कीजिए। हमारे बाण वेद मंत्रों और स्तुतियों से प्रेरित किए गए हैं, वे बाण जब छोड़ें तो शत्रु कितना ही दूर क्यों न हो उस पर जाकर गिरें, उन शत्रुओं में से कोई भी बच न पाए। हे इंद्र, बाण मांसाहारी बाज की तरह शत्रुओं का अनुगमन करे, शत्रुओं की सेना गिद्धों का भोजन हो जाए, उनका कोई अवशेष न रह पाए, पाप में लगे पापी भी बच न पाए, मांसाहारी पक्षी उनका भी अनुगमन करें। हे इंद्र, आप अमित्रों की सेना का नाश कीजिए, आप वृत्रहंता हैं, आप धनवान हैं, आप और अग्नि मिलकर शत्रुओं की सेना को भस्मीभूत करने की कृपा करें। जहां बाण इस तरह गिरते हैं जैसे बिना चोटी वाले चंचल बालक गिर रहे हों, वहां अदिति और ब्राह्मणस्पति हमें सुख देने की कृपा करें, वे सदैव हमारा कल्याण करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप राक्षसों का नाश करने की कृपा कीजिए, आप हिंसकों का विनाश करने की कृपा कीजिए, आप वृत्रासुर जैसे राक्षसों की ठोड़ी तोड़ दीजिए, आप अमित्रों का क्रोध और घमंड दूर करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हमारी सेना युद्धों में शत्रुओं को पराजित कर दे, हमारे शत्रु मुंह नीचा करके हमारे सामने आए, आप उन शत्रुओं को पतन के गर्त में डाल दीजिए जो हमें अपने अधीन वश में करना चाहते हैं। इंद्र के बाह हाथी की सूंड की तरह हैं, आप सर्वप्रथम उन भुजाओं को युद्ध में प्रेरित करने की कृपा कीजिए, आप बलजित हैं, स्थिर हैं, जवान हैं, आप पर किसी का वश नहीं चल सकता। हे इंद्र, हम आपके मर्म स्थानों को कवच से आच्छादित करते हैं, राजा सोम आपको अमृतमय बनाने की कृपा करें, वरुण आपको सुख प्रदान करने की कृपा करें,
देवता आपको प्रसन्नता प्रदान करें। हे इंद्र, सिर सहित सांप जैसे अंधा होता है वैसे ही हमारे अमित्र हो जाएं। उनमें से जो अग्नि की ज्वाला से बच जाएं, उन बचे हुए शत्रुओं को आप स्वयं नष्ट करने की कृपा कीजिए। जो हमारे अपने होकर विश्वास पूर्वक छल में हमें मारना चाहते हैं, देवगण उन सभी धूर्तों को नष्ट करने की कृपा करें। वेद मंत्र हमारे मर्म स्थान के कवच हैं, वे हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप पर्वत में रहने वाले शेर के समान भयंकर हैं। दूर से यहाँ आकर दूर तक मारक तीखे वज्र से शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए। आप लड़ाकू शत्रुओं को दूर करने की कृपा कीजिए। हे देवगणों, आपकी कृपा से कानों से कल्याणकारी वचन सुने, आँखों से मंगलमय दृश्य देखने को मिले, हम स्वस्थ हाथ पैर और अंगों से आपकी स्तुति कर सकें। आप देवताओं की कृपा से हमें जो भी आयु प्राप्त हुई है उसका हम स्तुति पूर्वक सदुपयोग कर सकें। इंद्र हमारा कल्याण करने की कृपा करें। सर्वज्ञाता पूषा हमारा कल्याण करने की कृपा करें। अहिंसक अस्त्र शस्त्र वाले गरुण हमारा कल्याण करने की कृपा करें। ज्ञान धारण करने वाले बृहस्पति हमारा कल्याण करने की कृपा करें। इस प्रकार सामवेद संपूर्ण हुआ।